कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए कल का दिन बहुत बुरा था। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर काफी गंभीर आरोप भी लगे हैं। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी कर उनकी नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी से पूछा गया कि वो भारतीय नागरिक है या फिर ब्रिटिश नागरिक। किसी सांसद के लिए इससे बड़ा विवाद क्या हो सकता है कि उसकी नागरिकता पर ही सवाल खड़े हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलने का मामला है, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने इस पर सिर्फ खेद जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखकर अदालत में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तुरंत रक्षात्मक हो गए और उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से अदालत में माफी मांगी। इसके लिए राहुल गांधी सोमवार से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर करेंगे। ये मामला 10 अप्रैल को अमेठी में राहुल गांधी के एक बयान से शुरू हुआ था। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रफाल डील से जुड़े फैसले पर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। उस दिन राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के नाम का इस्तेमाल करते हुए झूठ बोला था। आगे बढ़ने से पहले आपको राहुल गांधी का उस दिन का बयान एक बार फिर से हम सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। इस बयान के खिलाफ बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने अदालत की अवमानना की है। 15 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को हलफनामा दायर कर अपना जवाब दिया। इस हलफनामे में राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद जताया था और ये सफाई दी थी कि उन्होंने चुनाव के जोश में ऐसा कह दिया। 22 अप्रैल को ही अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि उन्हें अवमानना का कोई नोटिस ही नहीं मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के जवाब में कल एक बार फिर से राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। ये राहुल गांधी की तरफ से दूसरा हलफनामा था। राहुल गांधी के पहले और दूसरे हलफनामे में कोई विशेष फर्क नहीं है। इस बार भी पुराने हलफनामे को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। दोनों हलफनामों में राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। इस पर याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने 22 पन्ने के हलफनामे में कहीं भी बिना शर्त माफी नहीं मांगी है और राहुल गांधी ने अपने बयान को सही ठहराने की कोशिश की। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से नाराजगी जताई और कहा कि राहुल गांधी बयान भी देते हैं और उसे सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्होंने मामले पर पूरी तरह से खेद जताया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको खेद जताने के लिए 22 पन्नों की जरूरत पड़ी, आप हमें सख्ती के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान हमने संयम बरतते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा था, हमने कभी वो बात नहीं कही जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई, ये कोर्ट ने कहा। यह आपका दूसरा हलफनामा है और इसमें भी आप अपने पक्ष को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मेरे विचार में हलफनामे में कोई कमी नहीं है, हलफनामे में हमने जो खेद जताया है वो माफी ही है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मुझे सुधार करने की इजाजत दीजिए। राहुल गांधी के वकील ने एडिशनल एफिडेविट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक का समय दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि हलफनामा दाखिल होने के बाद ही हम ये तय करेंगे कि इस पर क्या फैसला लेना है। राहुल गांधी की मुश्किलें माफी मांगने के बाद भी कम नहीं हुई हैं। जी हां, राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े साफ गोई हैं
कि जहां उन्होंने गलती की वो गलती खुद उन्होंने प्रकाशित की है इस जवाब में और उसके लिए माफी मांगी है, यानी रिग्रेट कहा है। वो गलती थी कि उन्होंने चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन या जैसे वक्तव्य को उच्चतम न्यायालय को एट्रीब्यूट किया। अगले 3-4 दिनों में उपयुक्त एक और हलफनामा डालेंगे, एडिशनल हलफनामा, जिसमें हम स्पष्ट कर देंगे कि जहां तक एट्रीब्यूशन का सवाल है हम अपॉलॉजी मांगते हैं, रिग्रेट तो हमने कही दिया है, हम अपॉलॉजी शब्द का भी प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत कोट करकर राहुल बाबा बोले ये चौकीदार चोर, मोदी जी को चोर कहा और जैसे ही अपनी सांसद सुप्रीम कोर्ट में गई केस किया, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल बाबा को माफी मांगनी पड़ी है, माफी मांगनी पड़ी है। राहुल गांधी को आज देश की सर्वोच्च अदालत के सामने माफी मांगनी है।